नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं आपके साथ देवेंद्र प्रजापति गौतम नगर से। आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव चौधरी महेंद्र सिंह जी, जो कि आज जेवर ब्लॉक में किसानों का धरना प्रदर्शन है, महापंचायत है, उसके लिए अपने आवास से रवाना किए हुए हैं। और जानते हैं चौधरी साहब से कि क्या समस्याओं को लेकर इतना बड़ा पंचायत का रूप दिया गया है, क्या नीतियों से वो नाराज है किसान, क्या कृति है सरकार द्वारा। नमस्कार सर। सर, इस टाइम आप जेवर के लिए रवाना हुए हो अपने काफिले के साथ, क्या सरकार की नीतियों के विरोध में किस चीज को लेकर आपका दर्द इतना महापंचायत है भाई? इधर देख के जी सर, किसान तो बहुत दुखी है सर, थोड़ा इधर देख। ये सरकार बिल्कुल खा गई किसान को, किसान बिल्कुल बेहाल है इस वक्त। किसान की मक्का, धान, बाजरे बिल्कुल फ्री में जा रहे हैं, किसान को कोई चिंता नहीं है। इस सरकार ने तो नाश ले लिया किसान का जी। सर, किसान ने एक विधेयक पास किया था, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? विधेयक किसानों का थोड़ी, विधेयक तो पूंजीपतियों का है जी। वो तो पूंजीपतियों के फेवर के लिए विधेयक बनाया है, पूंजीपतियों को संपन्न करने के लिए, चंद लोगों को संपन्न करने के लिए वो विधेयक बनाया है। ये विधेयक किसान के फेवर का थोड़ी है, विधेयक तो किसान का दुश्मन है, किसान को लूटने के लिए विधेयक बनाया है। पहले हर व्यापारी के यहाँ एक लिमिट थी कि इतना भंडारण कर सकता है जी सर, लेकिन वो सारी चीज खत्म कर दी। कोई कितना ही भंडार करो, इसी रेट खरीदो। सरकार ने तो नाश ले दिया किसान का। एमएसपी रेट में खरीदने के लिए कोई बात नहीं है, पंजाब के किसानों ने संघर्ष किया है। सर, देखने को मिल रहा है कि एमएफसी को लेकर हर जगह किसान सड़कों पर है, तहसीलों का घेराव कर रहा है, किसान ना खुश है एमएसपी को लेकर, लेकिन फिर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। तो क्या आपकी भी एनएफसी से आज कुछ वार्ता होगी एमएसपी विधेयक को लेके? उसी को लेकर तो ये ड्रामा जी, है जी, जी। मैं पीछे नहीं हटना चाहता, मरना मंजूर है लेकिन पीछे नहीं हटना। तो देश तक देख सकते आंदोलन करेगा, पूरी तरह आंदोलन करेगा जब तक संपूर्ण किसान स्वतंत्र ना हो जाए। किसान स्वतंत्र हो गया, किसान का नाश ले दिया सरकार ने जी। बोल बोलिए। किसान पूर्ण रूप से परतंत्र है, आज स्वतंत्र नहीं किसान, अब से पहले स्वतंत्र था। हरियाणा सरकार कहती है जिस किसान का हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है हम उसी का गल्ला खरीदेंगे, तो कहाँ स्वतंत्र, कहाँ ले जाए वो अपने गल्ले को। हम यहाँ कुछ ना कुछ करवा के हटेंगे अब जी जी। हाँ, वैसे हटना नहीं है, मानना नहीं है, किसी भी कीमत पर हमको अब रुकना नहीं है। इसे तो मर जाना बेहतर है, जिल्लत की जिंदगी जीना। सर, देखता है कि किसान आए दिन जी, सर किसान आए दिन आत्महत्या को करने के मजबूर होते हैं, फिर भी सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं एक्शन ले पाती है। सरकार तो पूंजीपतियों के लिए करना है कुछ जी जी, सरकार किसानों के लिए थोड़ी करना है। हेलो,